घरे जार भारी आदर हाथे धरी भोज पतर लेखनी रे लेखिले नवाक्षर पढ़िले शुणिले शुभि अंतर आचार विचार मिले संस्कार जगन्नाथ दास आदि जुहार सब समस्यार लेखि उतर गाइले से मूल मंत्र हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओम भोलेन्दु कंति बिंदु बदनम बहारवत सप्रियम श्री भशंग मुदार कौस्तुभधर पीतंबर सुंदर गोपीना नयनोदबलार्चित तनु गो गोप संघावृतम गोविंदम कलवेणु पादन पर दिव्यंग नारायण गोलक बिहारी भगवान विष्णु जगन्नाथ जे षोल कला तहु कलाए नंद बड़ा कलाकु षोल कला करी गोपे बिहरे नरहरी भगवान बालकृष्णक श्रीचरण रे अनंत कोटि प्रणाम मोर समस्त भागवत प्रेमी भक्त मंडली तथा भक्तिमती माँ मानक चरण रे आम तरफ कोटि कोटि प्रणाम आमर चलीचे भागवत कथा गत अध्याय रे दशम स्कंधर दशम अध्याय शेष पर्याय थिला एबे दशम स्कंधर एकादश अध्याय एठु आरंभ हम आउ ए अध्याय रे जामला अर्जुन मुख्य हेबे भागवत पाठ करिबा पई आम पाखरे अछंती सुश्री मानसी देवी आसंतु तांको मुहरु सुनेबा भागवतर ए पवित्र आख्यान दशम स्कंध एकादश अध्याय सुख वचन सुनी राए पढ़ई पुनः पुनः पाए मन आनंदे नृपवर मुनि के बोल उत्तर राजा परीक्षित उवाच भूमुनि कुबेर मुनिंक पादरे पड़ी परीक्षित पचारिले ए महामना कहंतु ना ए जमला अर्जुन कुबेर पुत्र एमाने कौन दोष कले नारद भलिया मुनि
जे दिन राति बीणा को धरिकि गाओ रे बीणा श्री नंद नंदन सब बेले गाउ थांती जे बीणा बजौ थां नारद मुनि त केबे का परे रागंतिनि आमे जेते पुराण शास्त्र पढिचंती आज्ञा दुर्वासा रागी ऋषि ठीक अछि अन्य ऋषि माने रागंती क्रोध करंती अभिशाप दियंती कथा आमे जानिचंती नारद तो केबे रागंतिनि आज्ञा का गति तीर चिन्ह अनुरुसारते प्रसिद्ध मूर्ध्व चोलन हबिरे भुज नारद ऋषि सीए कहीं रागिले कुबेरंग पुओ कौन सी दोष कले कि नारद कहीं अभिशाप देले हे महामना हे महाऋषि हे सुकमुनि आपण मते दयाकरी कुहंतु ये कुबेर पुत्र माने कौन दोष कले जे नारदा को अभिशाप देले श्री सुकवाच डाळ कुबेर मणि ग्रीव तपे तोसिले सदा शिव प्रसन्न होए उमाकांत वर जाचिले विश्वनाथ सुनि सनंद परीक्षित शुणापी तुम श्रद्धा थी तुम आग्रह थी आनंदित शुण कुबेर जोड़िए पुओ कई लोक कहते जनक ना नल जनक ना कुबेर नाई आज्ञा ये दि भाई जनक ना नल कुबेर आउ जनक ना मणिग्रीव ये दि भाई ये दि भाई शिव को तपस्या कले पूजा कले शिव ओम वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारण वंदे पन्नग भूषण मृगधर वंदे पशुरामपति वंदे सूर्य शशंक वह्नि नयन वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रय च वरदम वंदे शिव शंकर ये दुई भाई जाक शिव को पूजा कले तपस्या कले शिव संतुष्ट हेले आशुतोष आज्ञा अल्पे के संतुष्ट हमें अल्पे संतुष्ट हमें कर्मे ना जाची दिये हूँ शिव शंकर आसी पाखे ठिया कहे बापा कौन पाई डाक कह दि भाई जाक कहले कह कौन आप देवे कहना शिव कह आरे तुम जा कौन पाई डाकिल मत कह ना मु कौन देवी कौन पचार कह ये दि भाई जाक कहले कहले ठाकुर धन संपत्ति राज्य जमी गोरु गाई धन संपत्ति हीरा लीला मोती माणिक्य आमर किसी दरकार नहीं तेल कहीं डाकिल कितना दरकार नहीं डाकिल कहीं कह आजा मुझे डाकिचु आम गोटे जिनस दरकार कह हाँ सही कौटा दरकार कहूना कमर या दरकार आम दि भाई की तुम्हें शहेटा अफसरी कन्या अफसरी झी शा दि शिव कह अरे दीज तुम्हें शहेटा झील नहीं कौन कर आम मगुच आज आमको दिंत आप शहेटा जक्ष अफसरी आमर दरकार अफसरा स्वर्ग अफसरा ये कुबेर पुओ कौन करिवे शिव कहले तथास्तु जा
ଶହେଟା ଝିଅ ଆଇଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅପ୍ସରୀ ଶହେ ଶିବଙ୍କ ବର। ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମଦ୍ୟ ପାନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ମଦ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହୁଏ, ଏ ବାପା ମାନେ ଇଏ ଦି ଭାଇ ନଳକୁବର ମଣିଗ୍ରୀବ ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟ ପାନ କଲେ, ମଦ ଯେତେବେଳେ ପିଇ ଦେଲେ, ଭାଗବତରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମଦ୍ୟ ପିଇ ଜେନେ ମଦ ପିଇ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଜ ଦେହି ଉଭୟ ମତ ନ ଜାଣ, କିଛି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି। ଶହେଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବରେ ନିଦା ଘର କାଳ ମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ସମୟ, ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଖରାଦିନ, ଖରାଦିନରେ ପାଣିରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦି ଭାଇ ଯାକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଶହେଟା ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଇଏ ନଳକୁବର ମଣିଗ୍ରୀବ ଶହେଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଖରା ଦିନରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭିତରେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ନିଜ ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଜଳ ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି, ନାରଦ ମୁନି ଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ ନାରଦ ମୁନି ଇଏ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ନଳକୁବର ମଣିଗ୍ରୀବ ମାନେ ମଦ ଖାଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଗୁଛି ଦିଶୁନି, ଖାଲି ଦେଖା ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଏଇ ଶହେଟାଙ୍କ ଝିଅର ମୁହଁ ଖାଲି ଦିଶୁଛି, ଆଗୁଛି ଦିଶୁନି ତାଙ୍କ ଆଖି, କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ ଏମାନେ ଅନେଇ ଦେଲେଣି ନାରଦ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଅପ୍ସରା, ଏମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି, ଇଏ କେମିତିଆ ମୁନି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତରତରିକି କୂଳକୁ ଉଠି ଆସିଲେ, ଉଠି ଆସିକି ନିଜ ନିଜ ଲୁଗାପଟା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଲୁଗାଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ପିନ୍ଧି ପକାଇକି ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ବୁଦା 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 ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଇଏ ବୁଦା ମୂଳରେ ସବୁ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ବସିଲେ, ଚୁପକି ଯାଇକି ସବୁ ଲୁଚିକି ବସୁଛନ୍ତି ବୁଦା ମୂଳରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ଭଲ କି ଦେଖା ପଡ଼ୁନାହିଁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ମଦର ଅନ୍ୟ ନାଁ କ'ଣ କି, ମନ୍ଦପା। ଏଇଟା ପିଲା ମାନେ ଆପଣ ନିଜେ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଚରିତ୍ର ସବୁ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁ ମନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ କିଛି ଦେଖା ପଡ଼ୁନି। ଏମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ ଏମିତି ନିଠେଇକି ଅନେଇଲେ, ନାରଦ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖିଲେ, ଅନୁମାନ କରିନେଲେ କ'ଣ କେମିତି ଘଟଣା ହଉଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବୀଣା ବଜେଇ 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 ଯେଉଁ ନାରଦ ଆଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନିରୀକ୍ଷେଇକି ଅନେଇଲେ, ନାରଦ ତାଙ୍କ ବୀଣାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ବୀଣା ବନ୍ଦ କରିକି ଅନେଇଲେ, ଏମିତି ଅନେଇକି କହିଲେ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି କ'ଣ କହିଲେ, ନାରଦ ଉବାଚ
नारद अनेक भावुचंती मने मने कहउचंती ए बेनी कुबेर नंदन मदरे होइले उछन तमे दिजण जाको केमितिया घरर छुआरे कोन करूचो तमे ये दिजण तो मद पीचंती ये ताकु जाउचु से ताकु आज्ञा मद अवस्थाटा सेया हुए ना ए बापा माने गोटे पाचेरी अछि गोल गोल पाचेरीटा हैं पाचेरी भितरटा संपूर्ण अंधार केई कुआर नांती किछि देखा पड़िबोनी एठी जने ठिया छि ता पाखरे जने ठियाली बि ता गुदिसिबोनी संपूर्ण अंधकार ए पाचेरी भितरटा गोटिए मात्र द्वार ए गोटिए द्वार को जदी छाडी दबा आ द्वार पाइबोनी बाहर पेरिबोनी गोटिए लोक को आमे से द्वार बाटे भितर को पठे दबा भितर को गला परे पुणी ताकु कहिबा तू बुली बुली पुणी एई द्वार बाटे बाहरिबु बापा मन टिए मने रखिबे से कोन करिवो द्वारटा उधरथिबो कांथो को धरी 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 पूरा बुलिबो ना न जदि कांथो को छाडी देला आउ पाइबोनी कुआडे गला बुलिबा पाइबोनी तेनु करी ताकु कोन करा गला लोकटी को भितर को पठे दिया गला भितर पठे देखि से कांथोटा को धरछि धरी 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 अंधाटा किछि दि सुनि ना धरी 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 गोटे भेरा बुली के आसीबो पूणी द्वार पाखरे पहुंचले बाहर को बारिबो ये धरी धरी कांथो को चलछि ठीक अछि सब ठीक अछि सब ठीक अछि किछि बाट गला जाइछि ता मुंडोटा जोरे कुंडेई हला जदि कुंडे हला गोटे हाथ पाचेरे रखि के आ गोटे हाथ आनी कुंडे कांथो लगछि गोटे हाथ छाड़ देले असुविधा हिबो छाड़ी देले थोड़ा पाइबो ना अंधार किछि दि सुनि मुंडो कुंडे हला जोरे कुंडे हला दि हाथ आनी के मुंडा कुंडे हला मुंडो कुंडो कुंडो गोटे पाद पछु को बळे आइला आ हाथ बुलेला पाचेरी बाजिलानी सरीगला तेणु कर से क्षेत्र में तार कम कौन थिला ये लोक जदि गोटे मुह हो चलो गोटे दिग को जिते पाचेरीटा पाइब ना पाइब कि लोक आईया कलानी ये तार खाली बाइया बुलला कुआड़े गला पाचेरी इड़े जीव मेच बाट सियाड़े जीव पुलाए बाट से भितर सीए मला पछे कि आटटा पाइलानी कहीं कथाटा कहली आज्ञा आम समस्त अवस्था हूँ से भगवान आमको संसार रूपक पाचेरी भितर को पठे द्वार गोटे द्वार बाटे भितर को पठेदेले आम सब भितर रही आम अंधार भितर रही आम मुंड कुंड आरंभ है कौन आज्ञा मुंड कुंड हुए कौटा संसार माया जंजाल ये कुंडला मुंड पाचेर हाथ बाहरी आईला याडे जाउचंती 6 दिन सियाडे जाउचंती 10 दिन हेटी घर करबी हेटी गाड़ी करबी हेटी दुकान मो छुआ मो चल छे गे बुली बुली शेषर आ बाट मिलुची की ना जदि गोटिया लक्ष्य रे आमे गोटे दिग को जानते जो जागा रे हेले पाचेरे आमे पांते एवं आमे बाहर को बारी सुविधा होता किंतु आमे गोटे दिग रे केबे जाउ नाहंती हैं सब बेले दिग आमर बुली जाउची मद्यपर आचार जमी आम आचार सेमती हो जाऊ देख नारद चिंता करते कथा कह देख अवस्था बर्तमान कौन तापर कौन है जो कुबेर पुओ नलकुबर एवं मणिग्रीव नारद कौन पाई रागुच्च कौन कहते आपरे आसत तो शुणा गुरुजी ये गोटे प्रश्न कौन प्रश्न आज स्वर्ग अवसरा थी कि आम जानवर तो रंभा मेनका उर्वशी एमती केते जन अप्सरा थिले तो ये 100 जन अप्सरा को मागिले नळकुबेर आ मणिग्रीव मणिग्रीव केते जन स्वर्ग रे एमती केते जन अप्सरा अछंती बढ़िया कथा भागवत आउट के गोटे धाड़ी देखि देलनी सेठी लेखाई छ परा से को अप्सरा मागी चंती जख्य अप्सरा मागी चंती अच्छा जक्ष राजांकर कन्या जो से भी अप्सरा बोली कह जाए जक्ष राजांकर कन्या से जक्ष राजांकर कन्या रु 100 मागी से माने भी अति सुंदरी किंतु आम स्वर्ग रे जो अप्सरा कथा कहंती आमे रंभा उर्वशी मेनका तिलोत्तमा घृताची एमती अप्सरा जो अछंती केही केही कहंती स्वर्ग रे समुदाय अप्सरांक संख्या हला 16 अच्छा केही केही कहती अप्सरा संख्या है 32 केही केही कहती 108 अप्सरा संख्या चाहू ना कहीं से अप्सरा मान को मागि ना ये दि भाई मागि जक्ष अप्सरा जक्ष अप्सरा मान नुहे जक्ष कन्या जो जक्ष कन्या 700 हूँ जक्ष कन्या भितर 100 टी कन्या को मागि चाहू ना कहीं ये प्रश्न उत्तर है तो ये आज मर्मवाणी।
ज्ञानी भक्त बंधु माने विशेष भाव माँ माने आज मर्मवाणी को टिके मन रखिबे। आज मर्मवाणी होउची जेतिकी माँ माने अछंती मन रखिबे गोटे कथा, जो माटी गर्भवती थिबो गर्भवती थिबा अवस्था रे माँ माने केबे तेंतुली गच्छ बा कोइया गच्छ मूल को केबे जानतुनी, ये शास्त्र प्रमाण। गर्भवती माँ माने तेंतुली गच्छ बा कोइया गच्छ मूल को जदि बारंबार जानती ताले गर्भस्थ संतान विकृत हो पारे, यह मन रखिले मंगल हव। ये थिला आजिर मर्मवाणी। ज्ञानी भक्त बंधु माने आगामी अध्याय को जीवा पूर्वर ए अध्याय रो शेष रे के कीर्तन हरि बोल।